सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से खालिस्तानी संगठन के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में इनका ISI कनेक्शन भी सामने आया है। अमेरिका और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इन्हें भारत के खिलाफ भड़का रहे थे। पकड़े गए ये दोनों आतंकी नेपाल से होते हुए पाकिस्तान जाने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही इन्हें दबोच लिया गया। दिल्ली से अवनीश चौधरी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली से दो खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, देश के खिलाफ नापाक साजिश का भंडाफोड़, खालिस्तानी आतंकियों के ISI से जुड़े तार। दिल्ली की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए खालिस्तान संगठन से जुड़े ये दोनों वही आतंकी हैं जिनका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन होने का खुलासा हुआ। ये दोनों खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के एक्टिव मेंबर बताए जा रहे हैं। स्पेशल सेल की टीम ने इन्हें दिल्ली के GT करनाल रोड से गिरफ्तार किया। ये दोनों वही शख्स हैं जिन्होंने 14 अगस्त को पंजाब के मोगा जिले में जो प्रशासनिक कार्यालय है वहां पे खालिस्तान का झंडा फहराया और भारतीय तिरंगे का अपमान किया। पकड़े गए आतंकियों की पहचान इंद्रजीत सिंह गिल और जसपाल सिंह के रूप में हुई। दोनों पंजाब के मोगा के रहने वाले। जाँच में पता चला कि इन दोनों खालिस्तानी आतंकियों का अमेरिका और पाकिस्तान से भी कनेक्शन। अमेरिका और पाकिस्तान में बैठे इनके हैंडलर पैसों का लालच देकर इन्हें देश के खिलाफ भड़का रहे थे। इनको इस तरह का एक लालच दिया गया था, अगर ये काम ये जिले में अगर खालिस्तान का झंडा फहराते हैं तो इनको $2500 का इनाम मिलेगा और यही काम अगर वो दिल्ली के लाल किले से करते तो उनको $125,000 का इनाम दिया जाता। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा था वो खालिस्तानी एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए वो लगातार फैलाया जा रहा था, जिससे रेडिकलाइज होकर इन दोनों युवकों ने ये कदम उठाया। पंजाब में जब इन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया तो वहाँ पर इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पूछताछ में ये भी पता चला कि खालिस्तान संगठन से जुड़े इन दोनों आतंकियों को नेपाल के रास्ते ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा जाना था। इनके तार ISI से भी जुड़े थे। प्लान ये था कि इनको दिल्ली के बाद नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाएगा और पाकिस्तान में इनको ट्रेंड किया जाएगा। ये सारी जानकारियां अपने आप में चौंकाने वाली हैं, जिससे जाहिर होता है कि कैसे विदेशों में बैठे हैंडलर लगातार यहां पर युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली से ISI के आतंकी यूसुफ खान की गिरफ्तारी हुई थी और अब खालिस्तानी आतंकियों को पकड़ा गया। साफ कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI पैसों का लालच देकर भारत में नौजवानों को भड़का रही। कुछ दिन पहले दिल्ली में एनकाउंटर के बाद ISIS के आतंकी यूसुफ खान की गिरफ्तारी और अब खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के दो एक्टिव मेंबर की गिरफ्तारी से जाहिर होता है कि किस तरीके से दिल्ली आतंक का केंद्र बनाने की दिल्ली को कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले पुलिस ने पकड़े गए इन खालिस्तानी आतंकियों के एक साथ आकाशदीप को मोगा से गिरफ्तार किया था। तब से ही इंद्रजीत और जसपाल सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे। पकड़े गए आतंकी इंद्रजीत सिंह ने पूछताछ में बताया कि वो पेशे से ड्राइवर, उसके रिश्तेदार जग्गा ने उसे एक प्रतिबंधित YouTube चैनल सिक्स फॉर जस्टिस देखने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, WhatsApp लिंक पर खालिस्तान के लिए वोट कर और उसका सदस्य बनने के लिए भी उकसाया था। इन सभी आरोपियों से पूछताछ में जो बात कॉमन तौर पर सामने आई है वो ये कि इनके हैंडलर विदेशों से इनको ऑपरेट कर रहे हैं, जो इनको ना सिर्फ हथियार बल्कि फाइनेंस भी उपलब्ध कराते हैं। और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं, इसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।